हाय गाइस, फहीम किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बना के दिखाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी, लेकिन ये अलग तरीके की मुरादाबादी बिरयानी है। ये हमने सोयाबीन मुरादाबादी बिरयानी बनाई है, एक नई चीज़ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जिसके लिए हमने जो है करीब 60 ग्राम सोयाबीन लिया है, और इस सोयाबीन को हम जो है अच्छे से जो है धो लेंगे, और धो के देखिए इस तरीके से पानी डाल देंगे हम। पानी डाल के भिगाना है हमको, और हमको इसमें जो है एक ढक्कन केवड़ा वाटर डालना है, ये देखिए, ताकि हमारी जो सोयाबीन की खुशबू है ना वो चली जाए। और इसमें हम आधा ढक्कन विनीगर डाल देंगे, इससे जो है हमारे सोयाबीन की जो खुशबू होती है वो चली जाती है। अब हम इसमें जो है आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से जो है मिला देंगे। मिलाने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए हमको इसको रख देना है, जब तक हमारी सोयाबीन बिल्कुल फूल ना जाए। अब हमने 1 किलो चावल लिया है, ये देखिए, हमने तिबल एक्सल चावल लिया है। आप हरी पत्ती यूज़ कीजिए, या आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा चावल यूज़ करिए मुरादाबादी बिरयानी के लिए, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इसको भी हम अच्छे से 2 से 3 पानी धो के और भिगा देंगे करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए। ये हमारे पास सारे मसाले हैं। ये हमने 200 ग्राम के करीब जो है तेल ले लिया है, और 3 टीस्पून हमारे पास जो है अचार है, मुरादाबादी अचार, और 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2 हमारे पास प्याज हैं कटी हुई बारीक, और 5 हरी मिर्ची ली हैं, इसको हमने अच्छे से तोड़ लिया है, और ये हमारे पास कलर है जो हमने बना के रखा, 8 पीस लौंग लिए हैं हमने, और 6 पीस इलायची है मेरे पास, थोड़े से हमारे पास बादियान फूल हैं, और थोड़ी सी जावित्री है, थोड़ा सा जायफल है हमारे पास, 1 चुटकी हमारे पास अजवाइन है, और ये हमारे पास जीरा है 2 टीस्पून, और तेज़पत्ता है, और 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आइए देख लेते हैं हमारी जो सोयाबीन भीगी हुई थी, इसको भीगे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, मुलायम हो गई हैं, ये देखिए फूट रही हैं ये बिल्कुल। अब हम इसका पानी निकाल देंगे दबा दबा के, अच्छे से दबाएँगे, और इसका सारा पानी सुखा के हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारी सोयाबीन को अपने निकाल लेंगे अच्छे से दबा दबा के पानी। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी सोयाबीन अपनी निकाल ली हैं, और हमने एक पतीली रखी है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और इसमें हम करीब 150 से 200 ग्राम ऑयल डालेंगे जो हमारे पास रखा हुआ था, और उसको हम गरम कर लेंगे अच्छे से। गरम करने के बाद में जो हमारे पास सोयाबीन है, हम इनको पहले फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है हमको, ताकि इसका जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी बिरयानी में आए। और ये एक अलग तरीके की बिरयानी है गाइस, आप इसको घर में अपने ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक बन के तैयार होगी, बग़ैर चिकन और बग़ैर मटन के बनती है ये बिरयानी। ये देखिए इस तरीके से हमारी सोयाबीन गोल्डन ब्राउन हो गई, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से सारी सोयाबीन निकाल लेंगे। अब हमने एक बड़ी सी पतीली ली है जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे। ये हमारा वही ऑयल है जिसमें हमने सोयाबीन फ्राई किया था, और इसको हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें अपनी कटी हुई बारीक प्याज जो काट के रखा था वो डाल देंगे, और इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें जो है अपने सारे खड़े गरम मसाला डाल देंगे, ये देखिए, इसको भी हम 1 मिनट के लिए सोटे करेंगे, ज़्यादा हमको काला नहीं करना है। उसके बाद फटाफट हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, ये देखिए, उसको भी हम करीब 2 मिनट तक भून लेंगे। हमारी गैस की फ्लेम जो है हल्की रहेगी, और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ में ही हम अपने जो मुरादाबादी अचार है हमारा मिर्चे का, वो डाल देंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए सोटे करेंगे। उसके बाद में हम अपनी जो है इसमें सोयाबीन डालेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी है, ये देखिए इसको डाल दिया है। अब हम इसको भी 1 से 1.5 मिनट के ही लिए फ्राई करेंगे, इसलिए कि ये हमारी पहले से जो है फ्राई की हुई है। अब हम इसमें चाट मसाला और गरम मसाला का पाउडर जो है वो डाल देंगे, और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक और भून लेंगे। देखिए हमारी सोयाबीन बहुत अच्छे से भुन गई, हमारे मसाले भुन गए हैं, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस बिरयानी में बहुत ही नाप तौल के पानी पड़ता है, कम ज़्यादा नहीं पड़ता है। 1 किलो चावल में 2.25 लीटर पानी पड़ेगा, ये देखिए, पहले 1.5 किलो डाला था, उसके बाद और पानी डाला है, ये हमारा 2.25 किलो पानी हो गया पूरा। तो आप पानी इतना ही डालें, उसके बाद में इसको अच्छे से मिला के हम ढक्कन बंद करके इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। हमारे पानी में बॉयल आ गया है, ये देखिए, ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं। अब इस टाइम पे हम अपने जो है
जो हमारे भीगे हुए चावल थे वो हम डाल देंगे इसमें। देखिए इस तरीके से अच्छे से डालने के बाद हम इसको मिला देंगे इसी तरीके से, और जो है इसके ऊपर हम फिर से जो है मिलाने के बाद फिर से हम इस पर ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए बीच में हम एक दो बार इसको खोल के देख लेंगे, देखिए, और हल्के हाथों से चलाइएगा, नहीं तो आपके चावल टूटने के डर रहेंगे। बिल्कुल प्यार से इसको एक से दो बार ही चलाना है, हमारी बिरयानी यूँ ही बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद ये देखिए फिर से खोला। अब हमारा जो ये पानी दिख रहा है, जितना पानी है बस इतने ही पानी पे हमको दम पे लगाना है। हमारी बिरयानी टोटल 13 मिनट तक दम पे लगेगी। बस गैस की फ्लेम हमारी बहुत ही स्लो रहेगी, जितना आप स्लो कर सकते हैं स्लो कर दीजिए, और ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दीजिए, जैसे हमने ये पत्थर रखा हुआ है। जब तक हमारी बिरयानी दम पे लगी है, जब तक हम अपनी मुरादाबादी बिरयानी की स्पेशल चटनी देख लेते हैं। ये देखिए, जिसके लिए हमने लाल मिर्च ली हैं 5 पीस हैं, और 2 टमाटर लिए हैं हमने। आप जितनी मिर्ची खाना चाहें वही हिसाब से आप लें, ज़्यादा कम। और इनको हम ग्राइंडर मशीन में डालेंगे, और टमाटर को भी काट के उसी में डाल देंगे तरीके से। और हमारे पास जो कलर रखा हुआ है, इसमें हमारा केवड़ा वाटर मिला हुआ है इस कलर में, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें, ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम बारीक सी चटनी पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार है। अब आइए देख लेते हैं हमारी बिरयानी जो है दम पे लगाए हुए 13 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आहा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खुशबू आई है इसमें से। ये देखिए अब हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम इसमें अपना कलर डालेंगे। हमारे कलर में केवड़ा वाटर मिक्स है, और कलर डालने के बाद में हम इसको फिर से कवर कर देंगे करीब 5 मिनट के लिए। और हमारे 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से आप भी मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद में आप सर्व कीजिएगा। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।